बुधवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार को एनेक्सी भवन सभागार में सांसद विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान अपनों को खो चुके लोगों के बीच जाकर उन्हें ढाढ़स बंधाए रहे और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका उन्हें लाभ दिया जाए। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि शशि महाराज जी ने गोरखपुर जनपद के सभी सम्मानित सांसद और माननीय विधायक लोगों के बीच में आज इलेक्शन में बैठक की, जिसमें कुछ महाराज जी ने कोविड को लेकर के सारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा की कि आप लोग गांव स्तर पर जाइए और सबको प्रेरित करिए कि आप लोग कोविड का टीका लगवाएं। इसी महीने में करीब 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लोगों को लगनी है। अगले महीने में जुलाई में करीब 3 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूज्य महाराज जी द्वारा जनता को लगवाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात थी कि आज किसी को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो, उसके लिए खाद्य सामग्री निःशुल्क जो हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी द्वारा गांव स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है कोटे के माध्यम से, उसका आप लोग विजिट करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सबको खाद्य सामग्री मिले, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। और उसके बाद सभी माननीय सांसद माननीय विधायकों से पूज्य महाराज जी ने कहा है कि आप लोग उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लें और वहाँ की व्यवस्था देखें और हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जितना संभव हो आप जो है वहाँ का निरीक्षण